काउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेलीप्राइम की ये वीडियो क्रेडिट नोट वाउचर में जीएसटी के साथ किए जाने वाले कुछ मुख्य ट्रांजैक्शंस के बारे में है। इस वीडियो को हम दो भागों में बना रहे हैं। पहले भाग में हम आपको कुछ ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताएंगे जिनमें क्रेडिट नोट वाउचर बनाए जाते हैं। पहली परिस्थिति है बेचा हुआ माल वापस आना, यानी सेल्स रिटर्न होना। दूसरी परिस्थिति है जब हम कोई माल बेच देते हैं और कस्टमर कहता है कि माल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हम कस्टमर से माल वापस न लेते हुए उसे उस माल पर कुछ डिस्काउंट दे देते हैं। और तीसरी परिस्थिति है जब हम कोई सेल्स इनवॉइस बनाते हैं और उस बिल में गलती से ज्यादा भाव लगा देते हैं, तो उस बिल की वैल्यू कम करने यानी बिल में हुई गलती को ठीक करने के लिए क्रेडिट नोट वाउचर बनाना होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बेचा हुआ माल वापस आने यानी सेल्स रिटर्न की एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर में कैसे करें। हमने हमारे वीडियो नंबर 33 जो कि क्रेडिट नोट की बेसिक वीडियो है, उसमें बताया था कि जब कस्टमर किसी भी कारण से सप्लायर से खरीदे गए माल को सप्लायर को ही पूरा या आंशिक रूप से वापस कर देता है, तो सप्लायर के लिए ये सेल्स रिटर्न कहलाती है। और इस तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सप्लायर द्वारा क्रेडिट नोट वाउचर का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखें, सप्लायर को जो माल वापस प्राप्त होता है उसे सप्लायर को सेल्स में से कम करना होता है, और ऐसा करने के लिए सेल्स रिटर्न का लेजर बनाना होगा, और ये लेजर सेल्स अकाउंट्स ग्रुप के अंतर्गत बनाया जाता है। अब सवाल ये है कि जब हम क्रेडिट नोट की वीडियो पहले ही बना चुके हैं, तो फिर ये वीडियो बनाने की जरूरत क्यों है। पहले वाली वीडियो बेसिक लेवल की थी और बगैर जीएसटी की थी, पर वर्तमान में प्रायः सभी जगह जीएसटी के साथ ही माल का क्रय विक्रय होता है, और हम पिछली कुछ वीडियोस में जीएसटी के साथ क्रय विक्रय करना और डेबिट नोट का उपयोग करना सीख चुके हैं। ये वीडियो भी उसी सीरीज का हिस्सा है। इसमें हम जीएसटी के साथ क्रेडिट नोट बनाना बता रहे हैं। ध्यान रखें, अभी हम जो माल बेच रहे हैं वो जीएसटी लगाकर बेच रहे हैं, तो जब हम कोई माल वापस लेंगे तो उसे भी हम जीएसटी लगाकर ही वापस लेंगे। यानी अब हम जो क्रेडिट नोट बना रहे हैं उसका प्रभाव हमारी जीएसटी की सेल्स रिपोर्ट जो कि GSTR 1 में दिखाई पड़ती है उस पर भी पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को देखने से पहले हमारी डेबिट नोट की 3 वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उनमें हमने ऐसी बहुत सी बातें समझाई हैं जो इस वीडियो में भी उपयोगी हैं। तो चलिए बेचा हुआ माल वापस आने यानी सेल्स रिटर्न की एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर में करने के लिए पहले हम एक सेल्स वाउचर बना लेते हैं। हम 1 अगस्त को दीपक ट्रेडर्स को 5 प्रिंटर 15,000 रुपए प्रति नग के हिसाब से उधार बेच रहे हैं। ये देखिए, ये वाउचर अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में ओपन हुआ है। हम इसका मोड चेंज करके आइटम इनवॉइस कर लेते हैं। ये माल हम राज्य के अंदर ही बेच रहे हैं, इसलिए इस पर हमें CGST और SGST लगाना होगा। कस्टमर ने प्रिंटर मिलने के बाद हमें बताया कि 5 प्रिंटर्स में से 1 प्रिंटर ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो हमें वो प्रिंटर वापस भेज रहा है। जैसा कि आपको ध्यान होगा, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जब कस्टमर परचेज रिटर्न करता है तो उसके लिए डेबिट नोट बनाता है, तो उसने हमें 1 अगस्त को ही डेबिट नोट बनाकर उसके साथ प्रिंटर वापस भेज दिया। यहाँ पर ध्यान दें कि जब कस्टमर खरीदा हुआ माल सप्लायर को वापस करता है तो कस्टमर के लिए ये परचेज रिटर्न होती है, पर जब वही माल सप्लायर को वापस प्राप्त होता है तो सप्लायर के लिए ये सेल्स रिटर्न होती है। और जिस तरह कस्टमर ने परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट बनाया है, ठीक उसके विपरीत
सप्लायर सेल्स रिटर्न के लिए अपने यहाँ क्रेडिट नोट बनाएगा। यहाँ आपको हमेशा याद रखना है कि जब कस्टमर डेबिट नोट बनाता है तो सप्लायर उसके विपरीत क्रेडिट नोट बनाता है, और इसी तरह जब सप्लायर डेबिट नोट बनाता है तो कस्टमर उसके विपरीत क्रेडिट नोट बनाता है। तो आइए इस सेल्स रिटर्न के ट्रांजैक्शन को क्रेडिट नोट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्रेडिट नोट वाउचर के लिए ऑल्टर और F6 कीज को प्रेस करें। ये देखिए, यहाँ क्रेडिट नोट वाउचर ओपन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कि क्रेडिट नोट वाउचर अभी एक्टिवेट नहीं है। इसे एक्टिवेट करने के लिए हमें अदर वाउचर्स पर जाना होगा। उसके लिए F10 प्रेस करेंगे। F10 प्रेस करते ही लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप दिखाई पड़ेगी। यहाँ से शो इनएक्टिव पर जाकर एंटर प्रेस करें। ये देखिए, ऐसा करते ही सभी प्रकार के वाउचर टाइप्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो ऑप्शंस बंद हैं वो धुंधले दिखाई पड़ रहे हैं। अब इनमें से आप जो ऑप्शन चालू करना चाहते हैं उस पर जाकर एंटर प्रेस करें। हम क्रेडिट नोट पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, इस तरह का मैसेज आएगा। इसमें लिखा है, आपको क्रेडिट नोट वाउचर टाइप एक्टिवेट करने की जरूरत है, क्या अभी एक्टिवेट करें? अभी एक्टिवेट करने के लिए यस पर क्लिक करें। हम यस के लिए एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, क्रेडिट नोट वाउचर क्रिएशन स्क्रीन आ रही है। पहले डेट चेंज कर लें। यहाँ पार्टी अकाउंट नेम सिलेक्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें कि हमने जो माल बेचा था जिसमें से कस्टमर ने हमें पूरा या आंशिक रूप से माल वापस किया है, यदि कस्टमर ने हमें उसका पेमेंट कर दिया था तो यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि हम कस्टमर को माल वापसी के साथ ही हाथों हाथ पेमेंट कर रहे हैं, तो पार्टी अकाउंट नेम में कैश अकाउंट सिलेक्ट करना होता है। और यदि हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो जिस बैंक से पेमेंट कर रहे हैं उस बैंक का अकाउंट सिलेक्ट करना होगा। और यदि हम कस्टमर को हाथों हाथ पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ हमें कस्टमर का लेजर सिलेक्ट करना होगा। क्योंकि हमने जो माल बेचा था अभी तक उसका पेमेंट ही हमें नहीं मिला है, तो फिर यहाँ इन बातों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। हाँ, भविष्य के लिए आप ये बात जरूर ध्यान रखें। हम पार्टी अकाउंट नेम में कस्टमर दीपक ट्रेडर्स का लेजर सिलेक्ट कर रहे हैं। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर में हमें अपना वो बिल नंबर टाइप करना होगा जिसका माल हमें वापस प्राप्त हुआ है। यहां पर बिल की डेट टाइप करें। लेजर अकाउंट में हमें सेल्स रिटर्न का लेजर सिलेक्ट करना है जो कि अभी बना हुआ नहीं है, तो पहले हम उसे बना लेते हैं। ध्यान रखें, ये लेजर सेल्स अकाउंट्स ग्रुप के अंडर में बनेगा। आइटम में हम प्रिंटर सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमें वो क्वांटिटी टाइप करना है जो वापस मिली है। यहाँ रेट में वो रेट टाइप कर रहे हैं जो हमने उसे माल बेचते समय बिल में लगाया था। अब चूंकि माल वापस आया है तो टैक्स की वैल्यू भी कम करनी होगी। उसके लिए यहाँ हम CGST और SGST के लेजर सिलेक्ट करेंगे। प्रोवाइड GST डिटेल्स को यस करेंगे। रीजन में सेल्स रिटर्न सिलेक्ट करेंगे। यहाँ बायर्स डेबिट नोट नंबर में हमें कस्टमर से माल के साथ जो डेबिट नोट प्राप्त हुआ है उसका नंबर टाइप करना है, और यहाँ उसकी डेट टाइप करनी है। अगेंस्ट रेफरेंस में हमें अपना वो बिल नंबर सिलेक्ट करना होगा जिसका माल वापस आया है। नरेशन में हम माल वापस करने का कारण टाइप करेंगे और इस एंट्री को सेव कर लेंगे। अब हम रिपोर्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। इसके लिए हम ऑल्टर और G कीज को प्रेस करेंगे। यहाँ GSTR1 टाइप करेंगे। पीरियड चेंज करेंगे। ये देखिए, यहाँ क्रेडिट / डेबिट नोट्स में आइटम की वैल्यू और टैक्स दोनों के अमाउंट माइनस हो रहे हैं। आइए अब स्टॉक समरी पर भी इसका इफेक्ट देख लेते हैं।
ये देखिए, यहाँ 5 प्रिंटर गए थे जिसमें से एक प्रिंटर वापस आ गया है। आइए बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। जब हम कोई माल बेच देते हैं और कस्टमर कहता है कि माल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हम कस्टमर से माल वापस ना लेते हुए माल की कीमत को कुछ कम कर देते हैं, यानी हम कस्टमर को माल पर कुछ डिस्काउंट दे देते हैं। इस तरह के डिस्काउंट की एंट्री भी हम क्रेडिट नोट में ही करते हैं। इसके पहले हमने देखा था कि हमने दीपक ट्रेडर्स को 5 प्रिंटर्स बेचे थे, जिसमें से एक प्रिंटर खराब होने से उसने 1 अगस्त को वो हमें वापस कर दिया था। 2 अगस्त को दीपक ट्रेडर्स ने हमसे कहा, अब मेरे पास जो 4 प्रिंटर्स हैं, उनकी क्वालिटी आपने जैसा बताया था वैसी नहीं है। यदि आप इनका भाव कुछ कम कर देंगे तो इन्हें मैं रख लूंगा, नहीं तो इन्हें भी वापस कर दूंगा। तो हमने उससे कहा, ठीक है, आप इन्हें रख लीजिए, हम 500 रुपए प्रति प्रिंटर के हिसाब से भाव कम कर देंगे। इसी के साथ हमने कस्टमर से कहा, हम इसका क्रेडिट नोट भेज देंगे, आप हमें इसका डेबिट नोट भेज दीजिए। तो आइए देखते हैं, इस तरह के माल के भाव में जो कमी की गई है उसका हम अपने यहाँ क्रेडिट नोट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले डेट चेक कर लेंगे, पार्टी अकाउंट नेम में दीपक ट्रेडर्स सिलेक्ट करेंगे, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर में हमें अपना वो बिल नंबर टाइप करना होगा जिस बिल के माल पर हम डिस्काउंट दे रहे हैं। यहां पर बिल की डेट टाइप करें। लेजर अकाउंट में हमें डिस्काउंट ऑन सेल्स का लेजर सिलेक्ट करना है जो कि बना हुआ नहीं है, तो पहले हम उसे बना लेते हैं। ध्यान रखें, ये सेल्स अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत बनेगा, क्योंकि इस तरह का डिस्काउंट देकर हम अपनी सेल्स वैल्यू कम कर रहे हैं। आइटम में हम प्रिंटर सिलेक्ट कर रहे हैं। यहां हमें कोई माल वापस प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए क्वांटिटी को ब्लैंक छोड़ देंगे। अमाउंट में हम 4 प्रिंटर के 500 रुपए प्रति प्रिंटर के हिसाब से कुल 2000 रुपए टाइप करेंगे। अब हम जो डिस्काउंट दे रहे हैं उस पर टैक्स भी कम करना होगा, उसके लिए हम CGST और SGST के लेजर सिलेक्ट करेंगे। प्रोवाइड GST डिटेल्स को यस करेंगे। रीजन में आप चाहें तो यहां अदर या पोस्ट सेल डिस्काउंट सिलेक्ट कर सकते हैं, हम पोस्ट सेल डिस्काउंट सिलेक्ट कर रहे हैं। यदि बायर का डेबिट नोट आ गया है तो यहां उसका नंबर डालें, यहां उसकी डेट डालें, और यदि नहीं आया है तो हम इसे बाद में डाल देंगे। अगेंस्ट रेफरेंस में हमें अपना वही बिल नंबर सिलेक्ट करना है जिस बिल के माल पर हमने डिस्काउंट दिया है। यहां नरेशन टाइप करेंगे और इस एंट्री को सेव कर लेंगे। अब हम GSTR1 पर चलते हैं। यहां से क्रेडिट / डेबिट नोट्स पर जाएंगे। ये देखिए, यहाँ 2 क्रेडिट नोट दिखाई पड़ रहे हैं। पहला वो है जिसमें हमने सेल्स रिटर्न की थी, और दूसरा वो है जो हमने अभी बनाया है। इसमें डिस्काउंट का अमाउंट और उस पर लगने वाले टैक्स दोनों के अमाउंट माइनस हो रहे हैं। अब हम स्टॉक समरी भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सिर्फ वैल्यू कम हुई है, क्वांटिटी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आइए बात करते हैं अगली कंडीशन की। जब हम कोई सेल्स इनवॉइस बनाते हैं और गलती से उसमें ज्यादा भाव लगा देते हैं, तो उस बिल की वैल्यू कम करने के लिए, यानी उसमें सुधार करने के लिए भी क्रेडिट नोट बनाते हैं। इसे करेक्शन इन इनवॉइस भी कहते हैं। इसे समझने के लिए पहले हम अपने कस्टमर का सेल्स बिल बना लेते हैं। हमने 1 अक्टूबर को वासु ट्रेडर्स को, जो कि रायपुर के कस्टमर हैं, 14,000 रुपए प्रति नग के हिसाब से 2 नग मॉनिटर उधार बेचे, जिस पर 18% से IGST चार्ज किया। IGST इसलिए चार्ज किया क्योंकि ये हमारे स्टेट के बाहर के व्यापारी हैं। माल प्राप्त होने पर वासु ट्रेडर्स का फोन आया। उसने हमसे कहा कि हमने उसे मॉनिटर का भाव 13,000 रुपए बताया था
और बिल में 14,000 रुपए का भाव लगा दिया है। तो आइए सेल्स के इस रेट डिफरेंस को एडजस्ट करने के लिए क्रेडिट नोट बना देते हैं। क्रेडिट नोट वाउचर के लिए ऑल्टर और F6 कीज प्रेस करेंगे। सबसे पहले डेट चेक कर लें। पार्टी अकाउंट नेम में वासु ट्रेडर सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ ओरिजिनल इनवॉइस में हमें अपने उस बिल का नंबर डालना है जिस बिल में हमने ज्यादा भाव लगाकर माल बेचा है। यहाँ उसकी डेट डालें। लेजर अकाउंट के आगे सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम अपनी सेल्स की वैल्यू कम करना चाहते हैं। आइटम में मॉनिटर सेलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी को ब्लैंक ही रहने दें। अब अमाउंट में 2,000 रुपए टाइप करेंगे क्योंकि हमने 1,000 रुपए प्रति नग से दो मॉनिटर पर 2,000 रुपए ज्यादा ले लिए थे। यहाँ टैक्स के लिए IGST सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ प्रोवाइड GST डिटेल्स को यस करेंगे। रीजन में करेक्शन इन इनवॉइस सेलेक्ट कर रहे हैं। यदि बायर का डेबिट नोट आ गया हो तो यहाँ उसका नंबर डालें, यहाँ उसकी डेट डालें और यदि नहीं आया है तो उसे बाद में डाल दें। यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे। यहाँ वो बिल नंबर सिलेक्ट करना है जिसमें हमने ज्यादा भाव लगा दिए थे। अब नरेशन टाइप करेंगे और इस एंट्री को सेव कर लेंगे। अब हम GST R1 पर चलते हैं। देखिए यहाँ रेट डिफरेंस का अमाउंट और उसका टैक्स कम हो गया है। अब हम स्टॉक समरी भी देख लेते हैं। यहां पर देखिए सिर्फ वैल्यू कम हुई है, क्वांटिटी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो दोस्तों क्रेडिट नोट की इस वीडियो में हमने आपको क्रेडिट नोट के कुछ मुख्य ट्रांजेक्शन के बारे में बताया। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको क्रेडिट नोट के अन्य महत्वपूर्ण ट्रांजेक्शन के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।